को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें। वेलकम गाइस, आज हम बात करेंगे प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर क्या है और कैसे काम करता है। जब भी हम किसी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो प्रोसेसर की बात ज़रूर हमारे दिमाग में आती है। एक कंप्यूटर किसी प्रोसेसर के बिना मुमकिन ही नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर ठीक है कि किसी किसी प्रोसेसर की एफिशिएंसी कम होती है तो कुछ की ज़्यादा होती है, लेकिन सभी कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर होना अनिवार्य है। इस प्रोसेसर के कई नाम हैं, जैसे कि CPU, सेंट्रल प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर CPU, यानी इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूँ कहें तो ये किसी कंप्यूटर का दिमाग होता है जो सारी गतिविधियों पर नज़र रखते हुए होता है। ये सारे इंस्ट्रक्शन जिसे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से पाता है उसे ये हैंडल करता है। देखा जाए तो बेसिकली ये एक ऐसा हार्डवेयर है जो सारे कैलकुलेशन बहुत जल्दी करता है। जब उसे कुछ इनपुट मिले तो उसे प्रोसेस करता है और कुछ कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट निकालता है। पर क्या आपको पता है कि कैसे ये छोटी सी चीज़ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अकेले प्रोसेस कर लेती है? तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रोसेसर क्या होता है और कैसे काम करता है। प्रोसेसर क्या है? व्हाट इज़ प्रोसेसर? प्रोसेसर कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। यूँ कहें तो ये इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। यह एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझ उसे प्रोसेस कर हमें आउटपुट देता है। ये सारी डिवाइसेस के अंदर होता है, जैसे मोबाइल, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप। इसे CPU के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में एक स्क्वायर शेप डिवाइस है, जिससे कि कई मेटेलिक शॉर्ट और राउंडेड कनेक्टर्स नीचे निकले हुए होते हैं। इसे CPU के सॉकेट में ही अटैच किया जाता है। बहुत देर चलने के बाद ये थोड़ा गर्म हो जाता है, इसी कारण ये हीट को निकालने के लिए एक हीट सिंक और फैन के इसके ऊपर लगाया जाता है। ये बहुत ही नाजुक सी चीज़ होती है, जिस कारण इसे बड़े ध्यान से मदरबोर्ड में लगाया जाता है। ये बहुत से प्रकार के आते हैं, जैसे कि इंटेल के प्रोसेसर i3, i5, i7 हैं। आइए प्रोसेसर की हिस्ट्री जानते हैं। इंटेल ने ही दुनिया में सबसे पहला सिंगल चिप माइक्रोप्रोसेसर डिज़ाइन किया था सन 1971 में। इसे इंटेल के तीन इंजीनियर्स फेडरिको फैगन, टेड हॉफ और स्टैन मेजो ने इन्वेंट किया था। ये चिप, जिसका नाम था इंटेल 4004 माइक्रोप्रोसेसर, को कुछ ऐसे ढंग से डिज़ाइन किया गया था कि एक ही चिप में सारे प्रोसेसिंग फंक्शन जैसे CPU, मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल को रखा गया था। धीरे धीरे समय के साथ नए नए आविष्कारें हुई, जिससे कि कंप्यूटर के डिज़ाइन में काफ़ी बदलाव आई। इनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ गई और इनके साइज़ कम हो गए। अब के दौर में इंटेल प्रोसेसर की दुनिया का बादशाह है। ये हर वैरायटी के प्रोसेसर बनाता है लोगों की ज़रूरत के अनुसार। CPU क्या करता है? CPU बेसिकली तीन बेसिक काम करता है। पहला, यह इन्फॉर्मेशन लेता है। दूसरा, यह उस पर कुछ ऑपरेशन करता है। और तीसरा, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट देता है। लेकिन इन तीनों प्रोसेस को करने के लिए इसे कुछ की कंपोनेंट जरूरत पड़ती है। ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बाइनरी में सब्ट्रैक्शन और एडिशन करता है। इसके साथ वो कुछ लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, जैसे एंड, नॉट एंड और, CPU की मदद के लिए। कंट्रोल यूनिट सर्किट डाटा ट्रैफिक को CPU से स्लोअर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तरफ डायरेक्ट करते हैं, ताकि ट्रैफिक का आदान और प्रदान हो सके। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट डाटा के फ्लो को मॉनिटर करता है टू एंड फ्रॉम मेमोरी। टाइप्स ऑफ CPUs। पिछले कुछ वर्षों में CPU के कई प्रकार की आविष्कार हो चुके हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे रिक्वायरमेंट के अनुसार नए CPU आते गए। पहले प्रोसेसर को पहचानने के लिए नंबर इस्तेमाल किया जाता था, जैसे उदाहरण के तौर पर इंटेल 80486 प्रोसेसर बहुत ही ज़्यादा तेज है 80386 प्रोसेसर से। जब से इंटेल ने पेंटियम प्रोसेसर टेक्नोलॉजी ये 80586 निकाला है, तब से प्रोसेसर के नाम कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे
एथलॉन, ड्यूरॉन, पेंटियम एंड सेरेलॉन। आजकल तो नाम के साथ इनकी आर्किटेक्चर भी बदल गई है। आमतौर से अब दो ही प्रकार के आर्किटेक्चर वाले प्रोसेसर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, जैसे 32 बिट और 64 बिट। इन आर्किटेक्चर की बदलाव अब प्रोसेसर की स्पीड और कैपेबिलिटी भी काफ़ी बढ़ गई है। जैसे AMD ऑप्टरॉन सीरीज़ और इंटेल इटैनियम ईऑन सीरीज़ वाले प्रोसेसर को सर्वर और हाई एंड स्टेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर बात की जाए छोटे डिवाइस जैसे स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स, तो वो ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रोसेसर आम तौर से साइज से छोटे होते हैं, इन्हें कम पावर की ज़रूरत होती है और ये बहुत ही कम हीट पैदा करते हैं। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड क्या है? इस क्लॉक स्पीड को क्लॉक रेट और प्रोसेसर स्पीड भी कहा जाता है। क्लॉक स्पीड उस स्पीड को कहा जाता है जिस स्पीड से माइक्रोप्रोसेसर प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, या फिर क्लॉक का ईच वाइब्रेशन। क्योंकि CPU को एक फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक टिक्स या साइकिल्स की ज़रूरत होती है प्रत्येक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसलिए जितनी फास्टर आपकी क्लॉक रेट होगी, उतनी ही फास्टर आपकी CPU भी होगी। यह उतनी जल्दी से आपका प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है। क्लॉक स्पीड्स को MSZ में मापा जाता है। 1 MSZ का मतलब है कि 1 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड, और या फिर GHZ 1 GHz का मतलब है 1000 मिलियन साइकिल्स पर सेकेंड। एक जनरल सेंस में कहें तब जितनी ज़्यादा CPU की स्पीड होगी, उतनी ही बेहतर आपका कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। दूसरे कंपोनेंट जैसे कि रैम, हार्ड ड्राइव, मदरबोर्ड और नंबर ऑफ प्रोसेसर कोर्स जैसे कि ड्यूअल कोर और क्वाड कोर के ऊपर भी कंप्यूटर स्पीड निर्भर करती है। ये CPU स्पीड से ये पता चलता है कि वो कितने कैलकुलेशन 1 सेकेंड में कर सकता है। जितना ज़्यादा स्पीड होगी, उतना ज़्यादा कैलकुलेशन वो परफॉर्म कर सकता है, जिससे आपका कंप्यूटर और भी फास्टर रन करेगा। मार्केट में अलग अलग ब्रांड्स के कंप्यूटर प्रोसेसर अवेलेबल हैं जैसे कि इंटेल और AMD, लेकिन वो सभी समान CPU स्पीड स्टैंडर्ड का पालन करते हैं, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा प्रोसेसर कितने स्पीड में रन करता है। प्रोसेसर में कोर क्या है? प्रोसेसर में उनकी कैपेसिटी के अनुसार अलग अलग कोर होते हैं। एक समान प्रोसेसर में सिंगल कोर होता है, यानी कि वो सिंगल CPU होता है। वहीं ड्यूअल कोर प्रोसेसर में 2 समान फ्रिक्वेंसी वाले 2 प्रोसेसर सर्किट होते हैं। ये सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में डबल स्पीड से काम कर सकता है, वो भी बड़ी आसानी से। फिलहाल मार्केट में अब बहुत से अलग अलग कोर के प्रोसेसर उपलब्ध हैं, जैसे कि ड्यूअल कोर में 2 कोर, क्वाड कोर में 4 कोर, हेक्सा कोर में 6 कोर, ऑक्टा कोर में 8 कोर, डेका कोर में 10 कोर। जिस प्रोसेसर में जितने ज़्यादा कोर होगा, वह उतना ही सफलतापूर्वक मल्टीटास्किंग को पूर्ण कर सकता है। प्रोसेसर कैसे काम करता है? प्रोसेसर के डिज़ाइन आम तौर से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और ये कंपनी से कंपनी बहुत वेरी करते हैं, यहाँ तक कि इसकी एक मॉडल दूसरे से काफ़ी अलग होती है। अभी मार्केट में 2 कंपनियाँ जैसे इंटेल और AMD के प्रोसेसर काफ़ी डिमांड में हैं। ये 2 कंपनियाँ हमेशा यही कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को ज़्यादा बेहतर बनाएं, वो भी कम जगह और एनर्जी इस्तेमाल कर। लेकिन इतनी सब आर्किटेक्चुरल डिफरेंसेस होने के बावजूद प्रोसेसर को मुख्य रूप से 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और तभी जाकर वो इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कर सकते हैं। ये 4 प्रोसेस हैं, फेच, डिकोड, एक्सक्यूट और राइट बैक। अब मैं आप लोगों को इन 4 प्रोसेसर के बारे में बताऊंगा। फेच जैसे कि इसका मतलब है किसी चीज़ को लाना। यहाँ प्रोसेसर कोर इंस्ट्रक्शन को रिट्राइव करता है जो कि वेटिंग में रहते हैं किसी मेमोरी में। पर आजकल के मॉडर्न प्रोसेसर में यूजुअली वो इंस्ट्रक्शन पहले से ही वेट कर रहे होते हैं प्रोसेसर कैचे में। प्रोसेसर में एक एरिया होता है जिसे प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, जो किसी बुकमार्क की तरह ही काम करता है, जो कि प्रोसेसर को यह बात सूचित करता है कि कहाँ लास्ट इंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई और कहाँ नेक्स्ट वाली शुरू हुई। डिकोड, एक बार इंस्ट्रक्शन फेच हो गई, तब नेक्स्ट प्रोसेस है उसे डिकोड करने का। एक इंस्ट्रक्शन में प्रोसेस कोर के कई एरिया होते हैं, जैसे अर्थमेटिक और जिन्हें प्रोसेसर कोर को पहचानना पड़ता है।
सभी पार्ट में कुछ ऐसा भी होता है जिसे ऑपकोड कहते हैं, जो प्रोसेसर को बताता है कि क्या करना है उस इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करके। एक बार प्रोसेसर ये पहचान ले कि उसे क्या करना है, तब वो अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेता है। एक्सीक्यूट, इस स्टेप में प्रोसेसर को पता होता है उसे क्या करना है और वो एक्चुअली उसे कार्यकारी करता है। यह एक्चुअली में क्या होता है कि इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें प्रोसेसर कोर का कौन सा एरिया यूज़ में आता है और इसमें क्या इन्फॉर्मेशन डाला जाता है। उदाहरण के तौर पर प्रोसेसर किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए ALU का इस्तेमाल करता है। माने कि यह ऑपरेशन ALU के भीतर ही होता है। ये यूनिट दूसरे इनपुट और आउटपुट से जुड़ा होता है ताकि ये अपना काम को आसान कर सके और फाइनली हमें हमारा रिजल्ट सही समय पर दे सके। राइट बैक, ये आखिर स्टेप भी कहा जाता है। जैसे कि इसका नाम है, इसका काम भी समान है, जो कि आखिर में पहले किए गए तीनों कार्यों का रिजल्ट को मेमोरी में प्लस करता है। ये पता करना कि आखिर में आउटपुट कहाँ, ये डिपेंड करता है कि उस समय कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है। पर ये काम आमतौर में प्रोसेसर में रजिस्टर ही होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा होती है, तो क्विक एसेस के लिए इसे यहाँ रखा जाता है। ये पूरे प्रोसेस को इंस्ट्रक्शन साइकिल कहा जाता है। जैसे जैसे हम तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास और भी बेहतर प्रोसेसर आते जा रहे हैं और बहुत ही फास्ट और पावरफुल हैं। हमारे CPU को कुछ इस प्रकार बनाया गया है कि वे बहुत किसी भी कार्य को डिवाइड कर देता है ताकि इसे जल्दी से जल्दी प्रोसेस कर सकें, और नए आविष्कारों से ये बिल्कुल संभव भी लगता है। कंक्लूजन, निकट में भविष्य में हमें और भी बेहतर प्रोसेसर देखने को मिलेंगे क्योंकि आजकल सभी प्रोसेसर की कंपनियां इसी बात से ज़्यादा ध्यान दे रही हैं कि कैसे कम समय में ऐसे प्रोसेसर डिज़ाइन कर सके जिससे कि कम स्पेस और कम शक्ति में ऑपरेट किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट हो। अगर हम पहले ज़माने के प्रोसेसर को आज के ज़माने के डिज़ाइन से कंपेयर करें तो हम काफ़ी हद तक इस मिशन में सक्सेसफुल हो चुके हैं और उम्मीद है कि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा एफिशिएंसी वाले प्रोसेसर बना सकेंगे। इससे रिलेटेड डिटेल में वीडियो देखने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।